मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में बसे। सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक थी। उज्जैन दक्षिण से चुनकर आए विधायक मोहन यादव तीसरी कतार में बैठे थे कि शिवराज सिंह चौहान ने अचानक मुख्यमंत्री पद के लिए मोहन यादव के नाम का ऐलान किया। मोहन यादव को भी यकीन नहीं था कि मध्य प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में होगी, लेकिन अब मौका मिला है तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत दूर तक चलाया गया एक सियासी तीर माना जा रहा है। मैं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और प्रगति और विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। निशाना नंबर एक तो मध्य प्रदेश में ओबीसी वोट को साधना है, जो कुल आबादी की 52% है। उनकी बदौलत ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 230 में से 163 सीटें जीत ली। दूसरा पॉइंट यह है कि मोहन यादव हिंदुत्व की राजनीति के समर्थक हैं, जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। वो स्वयं महाकाल के शहर उज्जैन से जुड़े हैं। लेकिन तीसरा और सबसे अहम पॉइंट है कि मोहन यादव के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश और बिहार में उस यादव वोट को साधना चाहती है जो अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ चला जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतीकों की राजनीति बहुत बारीकी से करते हैं। चाय वाले में एक आम आदमी की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के चुनाव में खुद को एक चाय वाले के रूप में लोगों के सामने रखा। लोगों ने उनको पूर्ण बहुमत दे दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देखिए, एक चाय वाले को भी उठा ला करके यहाँ बिठा दिया। अब मध्य प्रदेश का राज जिन मोहन यादव को दिया गया है वो भी कभी चाय का काम करते थे। मोहन यादव की पृष्ठभूमि बिहार यूपी में यादव समुदाय का समर्थन हासिल करने में बीजेपी की मदद कर सकती है, क्योंकि उन दोनों राज्यों में यादव वोट काफी अहम एवं प्रभावशाली हैं। ये उज्जैन के लिए गौरव की बात है, अच्छी बात है, पर आप क्या उम्मीद करते हैं कि अगर एक मुख्यमंत्री को होते तो उज्जैन के लिए क्या करना चाहिए उनको? अब करना चाहिए तो क्या, अब आप देखिए कि क्या होगा उज्जैन में, कहां से कहां उज्जैन जाने वाला है। जिस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया गया है वहां एक अनुमान के मुताबिक यादव वोट करीब 8% है। यूपी में यादव वोट 8-9%। मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, बदायूं, फिरोजाबाद से लेकर आजमगढ़, अयोध्या, संत कबीर नगर, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, जौनपुर आदि लोकसभा सीटों पर इनका प्रभावी असर है। माना जाता है कि यादवों का वोट अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को जाता है। उसी तरह बिहार में हाल में हुए जातिगत जनगणना के मुताबिक वहां यादवों की संख्या करीब 14% है। यहां यादवों का ज्यादातर वोट लालू यादव के पक्ष में ही जाता है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यादव और मुसलमान वोटों के बारे में ये धारणा चली आ रही है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहन यादव नाम का जो तुरुप का पत्ता चला है वो यादव वोटों पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के दावों का पत्ता काट सकता है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना सिर्फ मध्य प्रदेश के का ही के लिए ही पॉलिटिक्स नहीं है, ये उत्तर भारत में जो जो यादव कम्युनिटी है, स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार में जो प्रभावी कम्युनिटी है, ये उसको एक मैसेज देना है
और उसके भीतर अपने प्रभाव को विकसित करना है, यानी उससे बीजेपी को उनके भीतर एक सॉफ्ट कॉर्नर बनेगी और वो लोग उसके तरफ मोबिलाइज हो पाएंगे। ठीक है। यूपी और बिहार में जब भी नेतृत्व का मौका समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल को मिलता है तो वो नेतृत्व किसी यादव नेता को ही जाता है, लेकिन एसपी और आरजेडी में वो यादव नेतृत्व एक परिवार का ही सदस्य होता रहा है, जबकि बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की अहम कुर्सी तक पहुंच सकता है।